जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे साथ दो दो सांप है और हम इसको रिलीज करने के लिए लाए हैं। देखिए, ये इंडियन सैंडबॉय स्नैक है और ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में निकाल कर सब कुछ हम बताएंगे और रिलीज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इंडियन कॉमन कराइत, जिसको हिंदी में कराइत, कहीं कहीं निशाचर और कहीं कहीं इसको जो है बहुत खतरनाक सांप भी कहता है और इसको साइलेंट किलर भी कहता है। तो दोस्तों, इसको भी रिलीज करेंगे। तो पहले हम सैंडबॉय को रिलीज करते हैं। दोस्तों, ये जो है जहरीला बिल्कुल नहीं होता है और इसके बारे में बहुत सारा अंधविश्वास है कि ये सांप अगर किसी को काट ले तो उसका जैसे कि चमड़ी ख़राब हो जाना, स्किन ख़राब हो जाना या कुछ धब्बा धब्बा हो जाना। तो दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। काटता है, काटने के बाद इसका मुंह में बैक्टीरिया होता है, जख्म बढ़ जाता है, घाव बढ़ जाता है। उसके लिए आपको दवाई लेना बहुत ज़रूरी होता है इसके काटने के बाद। और दोस्तों, इससे मिलता जुलता एक सांप है, वो सांप है चंदन बोरा रसल वाइपर, जो कि उसमें हेमोटॉक्सिन जहर होता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल जहरीला सांप नहीं है और इसको हम रिलीज करते हैं। दोस्तों, इसको दूर में हम रिलीज करना चाहेंगे क्योंकि इस जगह। तो दोस्तों, ये एक कॉमिक स्नैक है, ये अपना इसको अगर नीचे रख करके इसमें हाथ लगाइएगा तो ये कॉमिक भी करता है। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं आखिर ये कैसा कॉमिक करता है, एक बार और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये शायद अंदर घुस जाएगा, इसको उधर उधर हम छोड़ देंगे, इधर से घुसा उधर से निकल गया। तो दोस्तों, ये साइलेंट किलर का पारी आता है, ये बिल्कुल इंडिया का जहरीला सांप है। और दोस्तों, ये वही सांप है जो अंदर घुस गया था और पीछे निकल गया था। तो दोस्तों, इसको हम इधर घना में जंगल में छोड़ देते हैं और इधर पानी वानी भी है। तो दोस्तों, इधर बहुत ही हमको लगता है सही रहेगा और हमने इसको रिलीज यहाँ पर कर दिया है। तो अब साइलेंट किलर का पारी आता है, अब साइलेंट किलर भी हम इसी जगह छोड़ देंगे, जो कि वो अपना ऑटोमेटिक वातावरण में चला जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वही सांप अभी रिलीज किए हैं और ये साइलेंट किलर का पारी आ गया। दोस्तों, इसको भी वहीं छोड़ेंगे और वहां से ये अपना खुद ब खुद वातावरण में चला जाएगा। ये सांप दोस्तों इतना जहरीला होता है कि इंडिया का मोस्ट विनेमस स्नैक है और ये सांप अगर काट ले तो जैसे कि सिर दर्द, वोमिटिंग, पेट दर्द इसी तरह लगता है। तो दोस्तों, ये सांप अगर काट ले तो आपको पौने घंटा तक में हॉस्पिटल जाना है और आप अपना उपचार कराएं वहीं पर जा करके। नहीं तो दोस्तों, ये सांप अगर किसी को एक बार काट ले, अगर उसको पता नहीं चला तो दोस्तों नींद में ही मौत हो जाता है। यानी कि इसका नाम है साइलेंट किलर और इंसान जो है साइलेंट हो जाता है अगर उपचार नहीं कराएं तो, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं गए तो। तो दोस्तों, इसको भी वहीं हम रिलीज करेंगे घना जगह पर। और घना जगह पर रिलीज करने का मतलब है कि चील कौवा इसको भी नहीं झपट्टा मार सकता है, ये अपना अंदर इस जगह बहुत है। और अब जो ये काला काला मिट्टी देख रहे हैं, ये भीगा हुआ मिट्टी है, ये ऊपर से ढल कर के आया भीगा हुआ मिट्टी है। और दोस्तों, भीगा हुआ मिट्टी में जो है हम दोनों को छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत दृश्य, आप थोड़ा करीब से देख लीजिए ये खूबसूरत दृश्य, जो ऐसा देखने का बहुत कम ही मिलता है। तो दोस्तों, इसको हमने रिलीज कर दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूर दूर तक शेयर करें, जो क्या
जीव जंतु दूर दूर तक बचा रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।